उदा पोता बीमार सी, पुछला राम नारायण तो। उन्हें कहा जी मेरा पोता बीमार है, मैनू एक साल होर दे दो। बाबे ने एक साल होर देता। लोग तो दिना कि बद्दी घटती नहीं, असी दावे नाल आखदे कि बद्दी घटती है। किसी की हिम्मत चाहिदी है, किसी के अंदर इन्ना मादा चाहिए, दिल चाहिए, सुरमा बनना चाहिए। तुसी भावें 200 साल की उम्र ले लो, हाँ थोड़े सामने जोंदी जागदी मिसाल, साल भर मंग के सेठू राम ने लैके और फिर चोला छड्या। लोग कहिंदे ने बद्दी घटती नहीं, अरे खुदा कहिंदा बद्दी घटती क्यों नहीं, तुसी जिन्नी मंगोगे उन्नी देऊगा। पर ये करता ही कोई नहीं। हाँ बोलो। आए हैं मस्ताना शाह जी तेरे दरबार, भवसागर से कर दो पार। मौज मस्तानी है शाह मस्ताना जी तेरी, तेरी अमर कहानी है शाह मस्ताना जी तेरी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। आपस संगी है ना सारे, भी असी प्रेमी हाँ। गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सी भी कच्ची बाणी नहीं सुननी चाहिए। कच्ची बाणी का मतलब जिवें आपां बाहर लोकां आम गल्लां करते हाँ, दुनियादारी दियां ला लो, खुशी गमी दियां किवें भी ला लो, संसार दियां, तो कहिंदे भी कच्ची बाणी नहीं सुननी चाहिए। उधरों सोहणी मेहीवाल का जलसा लग्या होया सी, गुरु साहब सुनन लग गए, सुनिया। जदों सुन के आए तो सिख पता की बोलते हैं, कहिंदे जी की आ कच्ची बाणी नहीं सी जिहड़ी तुसीं सोहणी मेहीवाल का जलसा सुनिया। वो कहिंदे भी हाँ ठीक है, मैं तो गलती हो गई, सवेरे तुसीं 3 बजे आ जाओ, नाले तो आप शब्द बाणी करांगे, नाले जो संगत मैनू डंड देगी वो मैं मंजूर करूँगा, जो साध संगत कहूगी। कहिंदे जी ठीक है। उन्होंने सवेरे की किया, हनेरी छड़ती नाल बारिश छड़ती, जदों आए मूँह कढ़न हनेरी दी छल वजे, उधरों बारिश दी वजे, सवेर दे 6 बज गए गए। वो कहिंदे भाई तुसी आए नहीं 3 बजे, कहिंदे महाराज बड़ी हनेरी ते बड़ी हनेरी। वो कहिंदे तुसी किवें कहिंदे हो कच्ची बाणी सोहणी, तो घड़े ते डुब के मर गई, तुसी भिजदे सी मरदे तो नहीं सी, थोड़े कपड़े भिजदे और तुसी मेरे कोले नहीं आ सके, तो वह तो डुब के मर गई अपने महबूब के पिछे, तुसी उहदा की मुकाबला कर सकते हो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, तुसी उहनूं ग्रहण करो, बड़ी गहरी ते डूंघी है। ये असी सतगुरु नूं अलांबे अलांबे दिंदे आ, पल्ले साडे कख भी कोनी, लुट गया बाजार सारा। हुण तां साडे कोले की है, ओह जिवें पंजाबी आखदे हुंदे ने कि पल्ले है नहीं धेला करदी मेला मेला, कहिंदी मेले ते जाऊंगी तेरे कोल पैसे कराए, तू जाएगी किवें दस, मेले ते फिर ही जाएंगी जे पल्ले कराया होगा तां। असी सतखंड जाण दे दावे बणदे, पल्ले साडे कख नहीं, सतखंड दे जाण दे दावे ते तां मनो साडे पल्ले कुछ होवे तां। हाँ बोल भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा शाह मस्ताना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन सच्चा सौदा धाम, जंगल में मंगल तू करे तो मेरे परम संतों के न्यारे राम। तन मन धन तीनों तेरे, तन मन धन तीनों तेरे, और मेरा है कुछ ना, मेरा तो एक शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जो अपना मंदिर आप चला। इस मंदिर में बैठ कर, इस मंदिर में बैठ कर देख रहा भला बुरा सब काम। मैं पापी पढ़कर सो गया और लिया न तेरा नाम। ओ
पिछली गलती माफ। नहीं पाता भी संगत जानी नहीं थोड़ी जाऊगी। कल तो मी आए पाया, अज उन्हें ऐ दया करती भी संगत आऊगी बंद करता। अरे ऐसा मुर्शिद कामल है नारायण, ऐसा मुर्शिद कामल लियोन वास्ते भी उन्हें रास्ता बनाता, ते जान वास्ते भी रास्ता बनाता। वो मंदा है, वो कहते तू फरियाद कर मैं मनूंगा। अच्छा चलो, वो तो खुदा सी, आपां भी फरियाद करिए तो मंदा है। कच्चे लंगर दी इटा कटते सी, उधरों नहर नहीं आई, गंडे सुकते सी। गोविंद रोज आखे जी प्याज सुकते ने, बाबा बोलिया भाई काल पानी देता नहीं गोविंद पुत्र, क्या करे भाई नहर आउंदी नहीं, होर कोई जरिया नहीं सी। तो शाम दे टाइम बेपरवाह बाहर निकले ते छोटी छोटी पुफार आने लग गई। शहन शाह पिछे हट के देख के तह बोले बात सुन भाई, जे तो बारिश पा देगा तो हमारे प्याज बन जाएंगे, और जे ना पाएगा तो हमारी ईटा बस जाएंगे, रहेंगे बेंचो तेरे ऊपर नीचे कभी आते नहीं, बस बदल पतंग की तरह उठ गए रहे नहीं उथे। ओ खुदा आपां नूं मिलिया, आपां फरियाद करिए वह जरूर सुनदा, मगर साडे अंदर फरियाद करन दी समता होनी चाहिए है, ताकत होनी चाहिए है, प्यार होना चाहिए है। प्यार साडे अंदर है नहीं, खुदा आउंदा नहीं, प्यार बिना किवें आऊगा। वो कहिंदा तू दरवाजा तकड़ा मजबूत ला रखा सजना ख्वाहिशां दा, तेरे अंदर किनिया ख्वाहिशां, गिणती नहीं आउंदी इन्नियां ख्वाहिशां दा तू दरवाजा ला रखा। मैं बड़ा केड़े वेले तेरे अंदर, तू ख्वाहिशां दा दरवाजा खोल दे मैं तैयार खड़ा। मैं तो बूहा खड़काई जाना बे कुंडी खोल, ख्वाहिशां छड़ दे मैं तेरे अंदर उन्नू तैयार बैठा। हां बोल भाई। पिछली गलती को इस गुनाहगार की बाबा बिनती करो कबूल। धन धन सतगुरु तेरे आए। ए धरती नसीबां वाली, ए धरती नसीबां वाली, कि जिथे शामत आना वसदा मन मेरा, कि जिथे मेरा साईं वसदा मन मेरा। ए धरती नसीबां वाली, ए धरती नसीबां वाली, कि जिथे शामत आना वसदा मन मेरा, कि जिथे मेरा साईं वसदा मन मेरा। धन धन बाबा सावन छाते तन तेरा शामस्ताना, धन धन बाबा सावन छाते तन तेरा शामस्ताना, ऐसी मस्ती बख्शी जिन्ने करता मस्त जमाना। ओ धरती नसीबां वाली, ओ धरती नसीबां वाली, ते जिथे शामस्ताना बसदा मन मेरा, के जिथे तेरा साईं बसदा मन मेरा। जिथे चरण रखे शामस्ताना जी, ओ जी हो, ओ जिथे चरण रखे बलोचस्तानी जी, ओ जिथे चरण रखे शामस्ताना जी, उत लखा सारे झुकरे ने, ओ जी हो। वाली के जीते शामस्ताना वसदा मन मेरा, के जीते मेरा साईं वसदा मन मेरा। ओ धरती नसीबां वाली, ओ धरती नसीबां वाली, ते जीते शामस्ताना वसदा
ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਵੱਸਦਾ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਇੱਥੇ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ ਓ ਜੀ ਓ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਪਰ ਝੋਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਪਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸਤਾਨਾ ਧਰਤੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਮਸਤਾਨਾ ਵੱਸਦਾ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਾਈ ਵੱਸਦਾ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਵੱਸਦਾ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਵੱਸਦਾ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਬਾਬੇ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਘੋੜ ਹਟਾਇਆ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਘੋੜ ਹਟਾਇਆ ਪਿੰਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਚੜਾਇਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਘੋੜ ਹਟਾਇਆ ਮੋਇਆ ਲੜਕਾ ਸੀ ਜਿੰਦਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੌਜ ਮਸਤਾਨੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਮਸਤਾਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਮਸਤਾਨਾ ਵੱਸਦਾ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਾਈ ਵੱਸਦਾ ਦਰ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੋ ਸੰਗ ਤੋ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੋ ਸੰਗ ਤੋ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਸ਼ਮਸਨ ਵੱਸਦਾ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਈ ਵੱਸਦਾ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸੰਗ ਤੇ ਸਵਾਈ ਟਿੱਬੇ ਤੁਮ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਜਨ ਗਏ ਵੀ ਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰਪੁਰੇ ਨਾ ਕਿ ਲਾਲਪੁਰੇ ਟਿੱਬੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਬਾਲੂ ਰੇਤ 'ਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਦਿਲ ਕਰਤਾ ਇਸ ਟਿੱਬੇ ਕੋ ਉਠਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਲੈ ਜੇ ਪਰ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਅਨਾਮੀ ਟਿੱਬਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸਮਾਂ ਨਾਮੀ ਟਿੱਬੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਟਿੱਬੇ ਦੀ ਉਹ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਮਗਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਾਮੀ ਟਿੱਬਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਆਈ ਸੀ
हुण देख बेपरवाह ने उत्थे सारा कुछ करवा लिया, जमीन भी उहदे आले दुआले 100 बीघा हो गई, शायद ज्यादे भी होवे, गेट भी बड़ा तकड़ा बन गया और साध संगत भी दर्शन करने वास्ते जाती है। लेकिन धीरे धीरे कि वो साडा एक हज है, जिवें हाजी लोग मक्के ते जांदे ने, साडा वह मक्का है। मगर वह है कि दे वास्ते जिदे अंदर शाह मस्ताना बलोचिस्तानी का नरोल प्यार ते प्रेम है, संसार वास्ते नहीं, वो तो गए ते आए। पत्थर च कदे पानी पड़ता? पत्थर च पानी नहीं पड़ता। एवें जिवें जो लोग चाहते ने पत्थर की न्याई ने, उन्होंने पानी किवें पड़ूगा? जो उन्होंने अंदर सुराख होगा तो ही पड़ूगा। अब साडे सत्संगी किवें करते हैं? लाल चंद सुनहरे नूं लाल चंद नूं सारे जानते हैं, कुमो नूं तां लाल चंद मैनू आके आखण लग गया कि जी मैं उत्थे गया सीगा मंदिर च ते शिवजी दुध पींदा है। मैं कह सारा तां चंबे वाली बात है वी शिवजी दुध पींदा किवें पींदा है? कहिंदा जी मैं लोटा एक पलट के आया दुध उत्थे। मैं कहा तू उहदी बैक साइड तां वेख, बैक साइड वेख। उन्होंने की किया उहदे च सुराख मारता मूर्ति च, हुण सुराख तां दुध थले जाऊगा, बैक साइड ते ड्रम लाते, वो दुध सारा ड्रमा च बग जा करे, जो ड्रम भर जा करे चक के बेचाया कर। बोल इन्ना क तो साडे सत्संगियों नूं विश्वास है, बनोद अपने की ना प्रमोद बैठा है, भाईचारा है, चाचे का मुंडा है। अगे शिवजी दुध पींदा, बोल भाई दुनिया तो भुले सो भुले, भी असं सत्संगी भी भुले बैठे, कमाल की बात है। हुण मेरा ख्याल गणेश दिया अरबों खरब दिया मूर्तियां बनाई जाते हैं, गणेश दिया। लेकिन स्वामी जी ने की फरमाया है कि पुत्र चार देवते थोड़े अंदर मौजूद हैं, गणेश की ड्यूटी है गुदा च, ब्रह्मा की ड्यूटी है इंद्री च, महेश की ड्यूटी है हिरदे च, शिवजी की ड्यूटी है नाभी च। कहिंदे चार देवते थोड़ा 24 घंटे कम करते हैं, थोड़े नौकर थोड़ी सेवा करते हैं। तां तां बेपरवाह फरमाउंदे सी कि जब तुम जाओगे देवी देवते फुल बरसाउणगे कि वाह वाह कोई सतगुर की रूह आई है। और बिल्कुल ठीक है, इहदे च कोई शक नहीं। मगर हुण जिहड़ा इस टाइम समा चल रहा वो एक चीज दे चल रहा भी साडे सत्संगियां नूं इन्ने अपने सतगुर दे रास्ते च इन्ना घुलमिल जाना चाहिए भी जिवें आटे पानी का एक रूप हो जाता है, जे आपां पानी सिटी जावांगे तो एक रूप नहीं हुंदा, जदों उहनूं गुन्नांगे तो एक रूप बन जूगा। एवें जिवें तुसीं सतगुर का एक रूप बनने का टाइम है, हुण समा खोण का टाइम नहीं, गवाओ ना समय नूं, जाया ना करो, गया तो समझो सजनों गया, फिर तो पौड़ी छुटकी हाथ ना आवे, ऐ लो जन्म गवायो, जो फल पाके भोएं गिरे बहुर न लागे डाल। फल दोबारा डाणी नाल नहीं लगता, एक बार शरीर चलिया गया मुड़ के जन्म मिले जान, पहली गल तो मिलता ही नहीं इहनूं, पता नहीं करोड़ा अरबा खरबा साल की जूनी लम्मा चक्कर पै जांदा। हां कर पूरा बेटा बाबा हो ए
धरती नसीबा वाली, ए धरती नसीबा वाली, कि जीते शमस्ताना वसदा मन मेरा, कि जीते मेरा भाई वसदा मन मेरा। शमस्ताना जी बिलो चस्तानी ओ जियो, शमस्ताना जी बिलो चस्तानी, शमस्ताने जी जी ताकत रुआ कि जिनू तारा जगे तारे मन मेरिया, कि जिनू तारे मन मेरिया। ओ धरती नसीबा वाली, ओ धरती नसीबा वाली, ते जिथे शमस्ताना जी बसदा, ते जिथे बलोचिस्तानी बसदा संगते प्यारिए। ताकत है संगत सवाई, दाता सावन शाह ने है बताई, ना पीछे आई ना अग आवे, दाता सावन शाह फरमावे, ते रूहां दा व्यापार कर दे, ते बेड़ा ओदा पार कर दे शमस्ताना जी। ये धरती नसी बावाली, ए धरती नसीबा वाली, कि जिते शमस्ताना बसदा मन मेरिया, कि जिते जिंदा राम बसदा मन मेरिया। ए धरती नसीबा वाली, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, शमस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही। हाँ ला बोल लड़ी फिर टाइम बाबा, फिर किताब पढ़ा बाबे का बचन भी पढ़ा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा, शहन शाह के शहन शाह बाबा शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। तेरा दर है सर को झुकाने के काबिल, शमस्ताना बलोचिस्तानी जी, तेरा दर है सर मुँह झुकाने के काबिल, और लगी अपने दिल की बुझाने के काबिल, जो तेरी नजरे इनायत ना होती, ना रहते कहीं मुंह दिखाने के काबिल। ओ ओ मैं नी मां शमस्ताना जी उच्चा, मैं नी मां मेरा शहनशाह उच्चा, या था उच्चियां दे संग लाई, सज के जावा शमस्ताना बलोचिस्तानी तू जिन्ना नीवियां नाल नभाई, मैं नी मां मेरा सतगुर उच्चा, मैं नी मां मेरा शहनशाह उच्चा, यथा उच्चियां दे संग लाई, सदके जावा शमस्ताना बलोचिस्तानी तो जिन्ना नीवियां नाल नभाई।
ਅਮਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੰਘ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਅਮਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੰਘ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਕੌਣ ਲੰਘਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ ਬਾਬਾ ਹੱਥ ਫੜਾਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਚਾ ਅੱਖਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਸਤਾਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਜੋ ਪਰਮ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਸਤਸੰਗੀਆਂ 'ਤੇ ਟੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਕਰੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਿਨੀ ਇਹ ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ 'ਤੇ ਟੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਤੀ। ਮਨ 'ਚ ਗਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਨ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਬੇਸੇਵਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ ਪਈ ਸੱਜਣਾ, ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਦੇਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੁਮਾਲ ਦਿਖਾ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੜੇ ਫਕਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਬਈ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਵਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਲਾਵਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਰੁਮਾਲ ਜੇਬ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਰੁਮਾਲ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਜੇਬ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਮਗਰ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਦਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੇਸ਼ੁਕਰੇ, ਬੇਮੁਹਾਰੇ, ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਔਖੀ ਕਾਰ ਫਕੀਰੀ ਵਾਲੀ ਚੜ ਸੂਲੀ ਤੇ ਪੈਣਾ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸਬਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਫਕੀਰਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ, ਜੇ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਜੇ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਾ, ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ। ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਪਰਮਸ਼ਿਕਾਂ ਪਾਵੇ,
शहनशाह दा कम फल फूल लाउणा लावे लावे बाबा लावे शहनशाह दा कम फल फूल लाउणा लावे 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 मैं नीवा साडा बाबा उच्चा असा उच्चिया दे संग लाई सदके जावा शामस्ताना बलोचस्तानी तो जिन्ना नीरिया नाल नभाई अपने अमला वल्ले जे मैं वेखा अपने औकड़ा वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले जे बोलिए असी शामस्ताना बलोचस्तानी पल्ले पल्ले साड़ी पल्ले जे वेखा तेरी रहमत मस्ताना शाह पल्ले 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 खस खस जिन्ना कदर नी मेरा बाबा खस खस जिन्ना कदर नी मेरा ए तेरियां वड्याईया मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा मैल चढ़ाया थाईया मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा मैल चढ़ाया सब कुछ कीता पीर हवाले जिंदड़ी जान भी तेरी मैं को जी दा वारस तू है लाज रखी हुण मेरी मैं को जी दा वारस तू है लाज रखी हुण मेरी मस्ताना शाह लाज रखी हुण मेरी धन धन सतगुरु धन धन बाबा मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा तेरा ही आसरा तेरा ही आसरा तेरा निम्मा तेरियां ते लग गया बूर छावां ठंडियां ते मेरा भरपूर निम्मा तेरियां ते लग गया बूर छावां ठंडियां ते मेरा भरपूर कितों आ जा शहनशाह दर्शन दिखा जा शहनशाह शामस्ताना जी निम्मा तेरियां ते लग गया पूरे छावां ठंडियां ते मेरा भरपूर तू भी कितों आ जा शहनशाह ते लग गया पूरे छावां ठंडियां ते मेरा भरपूर तू भी कितों आ जा शहनशाह ओ दर्शन
ਸੁਣ ਦੇਖਾ ਜਾ ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨਿੰਮਾ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਨੀ ਦੇ ਪੱਕ ਗਏ ਫੇਰ ਦੁੱਖ ਪੰਜਨੀ ਦੇ ਪੱਕ ਗਏ ਫੇਰ ਦੁੱਖ ਪੰਜਨੀ ਦੇ ਪੱਕ ਗਏ ਫੇਰ ਸੰਗਤਾਂ ਚ ਵੰਡੋ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਚ ਵੰਡੋ ਆਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸਤਾਨਾ ਨਿੰਮਾ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਛਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਪੂਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਆ ਜਾ ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਜਾ ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮਸਤਾਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਖਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਵੱਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਵੱਟ ਕੱਢੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਦੋ ਦੂਣੀ ਚਾਰ ਤੇ ਚਾਰ ਦੂਣੀ ਅੱਠ ਦੋ ਦੂਣੀ ਚਾਰ ਤੇ ਚਾਰ ਦੂਣੀ ਅੱਠ ਇੱਕੋ ਸ਼ਾਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵੱਟ ਇੱਕੋ ਸ਼ਾਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵੱਟ ਨਿੰਮਾ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਛਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰ ਪੂਰੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਆ ਜਾ ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਜਾ ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਸਤਾਨਾ ਜੀ
ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਪਿਆਰਿਆ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਨਿੰਮਾ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਿੰਦਾ ਰਾਮ ਜਿਸਨੇ ਜਪਾਇਆ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਪਰਮ ਸੰਤੋ ਕੇ ਨਿਆਰੇ ਰਾਮ ਜੰਗਲ ਮੇ ਮੰਗਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹਾਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਲ ਰੁਕੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਸ਼ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹਾਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਲ ਰੁਕੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਲ ਰੁਕੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਸ਼ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਲ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰ ਨੂਰ ਜਹੂਰ ਖਾਦਾ ਹਮ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਪਵ ਜਲ ਪਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨੂਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਅਬ ਅਸ਼ਟਾ ਬਕ ਬਈ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰੀ ਟਾਈਮ ਵਾਹਵਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਜਦ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੇ 1000 ਗਾਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ 20-20 ਮੋਹਰਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਏ ਉਹ ਰਿਖੀਏ ਲੈ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਰਿਖੀ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਾਸਨ ਬਣਾਤਾ ਸਟੇਜ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਈਦਾ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਫਕੀਰ ਆ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਘੋੜ ਕੇ ਪਿਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਗਿਆਨ ਹੋਜੂ ਅਬ ਅਸ਼ਟਾ ਬੱਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 8 ਵਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾ ਜਦ ਉਹ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਹੱਸ ਪਏ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ
ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਾਧੂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੈਣ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਐਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੇੜੇ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੱਸ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਸ ਪਏ ਤਾਂ ਅਸ਼ਟਾ ਬੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਾ ਸਾਰੀ ਚਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਮਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ। ਰਾਜਾ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਰਨਾਟਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਬਹਿ ਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਦਕਸ਼ਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਦੇ ਦੇ, ਮਨ ਦੇ ਦੇ, ਧਨ ਦੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸ਼ਟਾਬਕਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਖਬਰਦਾਰ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਈਅਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਖਬਰਦਾਰ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਮਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਬੁਲਾਵੇ ਕੌਣ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਰਾਸ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਜਤ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ, ਥੱਲੇ ਤਾਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਬਦੌਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਜ ਵੀ ਕਰ ਅਤੇ ਫਕੀਰੀ ਵੀ ਕਰ। ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੇਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਸ ਐਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਕਹਿ ਕੋ ਹੋਸ਼ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਕੁੱਠੀ ਪਈਆਂ ਯਾਰ ਦੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਹੋਸ਼ ਰਹੂਗੀ? ਹੋਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰੂ ਨਾ। ਹਾਂ ਬੋਲ ਬਈ, ਦੁਬਾਰੇ ਬੋਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਸ਼ਮਸਤਾਨ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਲ ਰੁਕੇ ਨਸ਼ੇਨਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਸ਼ਮਸਤਾਨ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਮਸਤਾਨ ਨਸ਼ਾ ਜੀ ਰਾਹ ਚ ਰੁਲਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਗਲ ਨਾ ਡਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਹਰਕਤ ਕਾਬਲ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਭੇਡਾਂ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀ ਰਲਦਾ ਗਏ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਤੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਛੋਟੀ ਦਾ, ਵੱਡੀ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਤੇ, ਦੀਵਾਰ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਆਹ ਵੱਡਾ ਆ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਆਹ ਗਰੀਬ ਆ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਹੈ ਆਹ ਵੇਖ ਆਹ ਚਮਿਆਰ ਬੈਠਾ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਪੂਜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ? ਪੂਜਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਜਦੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ? ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ, ਹੈਂ? ਜੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲੇ।
काबिल नहीं सप्यार दे काबिल बना लिया राज रुल दी धूड़नू तुसा गल लला लिया नशा जी राज रुल दी धूड़नू तुसा गल लला लिया खता गरीब दी हुण हर खता गरीब दी मेरी माफ हुंदी रे एक पल रुके नशे नशा जी सारी रात हुंदी रे शमस्ताना जी तेरे प्यार दी बलोचिस्तानी जी तेरे प्रेम दी बरसात हुंदी रे पल रुके नशे नशा जी सारी रात हुंदी रहे शमस्तान जी तेरे प्रेम दी तेरा दास ही रहा मस्ता नशा जी नहीं लोड़ तक तो ताज दी तेरा दास ही रहा चरना च तेरे शहनशाह चरना च तेरे शहनशाह मेरी बात हुंदी रहे एक पल रुके नशे नशा जी दिन रात हुंदी रहे तेरे प्रेम दी बरसात हुंदी रहे एक पल रुके नशे नशा जी सारी रात हुंदी रहे शमस्तान जी तेरे प्रेम होया चिरा तो मेल जी होया च
ਸਾਚੀ ਰਾਤ ਮੇਲ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਲ ਰੁਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨਿਸ਼ਾ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਸ਼ਮਤਨ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲੋਚਤਨ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਲ ਰੁਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨਿਸ਼ਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਸ਼ਮਤਨ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਾਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਲ ਰੁਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨਿਸ਼ਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਸ਼ਮਸਤਾਨ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਲ ਰੁਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨਿਸ਼ਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਸ਼ਮਤਨ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਲੋਚਤਨ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਲ ਰੁਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨਿਸ਼ਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਸ਼ਮਤਨ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹਾਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਲ ਰੁਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨਿਸ਼ਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨਸੀਬ ਨੇ ਜੋ ਦੋ ਗੜੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਿਕ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸ਼ਾਹ ਬਸਤਾਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ 28 ਤਰੀਕ 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਐਤਵਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਇਸੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ 28 ਤਰੀਕ 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਐਤਵਾਰ ਜੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹਨ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ
शहनशाहों के शहनशाह बाबा शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। हुण सारी साध संगत ने इस तरह प्रेम प्यार नाल बैठ के बेपरवाह शाह मस्ताना बलोचिस्तानी दे अनमोल वचन सुनने हन। प्रेमी पाशी राम जी साध संगत नूं पढ़ के सुना रहे हन जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु जी तेरा ही। हाजिर नाजिर जिंदा राम, परम संतों के न्यारे राम, जंगल में मंगल करने वाले राम, जिसने जपाया अंदर वाला राम, शहनशाहों के शहनशाह शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी, धन धन सतगुरु जी। सारी साध संगत अगे बेनती है कि 5 मिनट वास्ते शाह मस्तानी वचन पढ़ांगे। सारे ध्यान नाल सुनो, प्रेम नाल सुनो। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। शाह मस्ताना जी बोलते हैं कि सानू लख लख बार लानत है कि असी झूठी माया के वास्ते अपना परमेश्वर गवाच दिया। चाहिदा है कि लोक लाज नू छड़ के शब्द दाता गुरु ढूंढ के उसकी भक्ति करिए। दया मेहर तो ही सूरत शरीर नू सिमट के या निकल के सचखंड अनामी सतगुरु के आश्रय पर जा पहुँचते हैं। ऐसे आशिकों की सूरत जा सकती है। मालिक की हजूरी अंदर साढ़े तलब होवे तो वे सुनता है। जैसे कि बच्चे की माँ हर वक्त ख्याल रखती है कि बच्चा अभी सोया पड़ा है, जब जागेगा तो फिर दूध देंगे। इसी तरह मालिक भी हमारे अंदर बोलता है कि कब 9 दरों से निकलकर आएंगे, 10वें द्वार में अमृत पिलाऊंगा। ये भक्ति दा पहला बुनियाद है कि जब तक अंदर में ख्याल ना बसे तब तक बुनियाद नहीं बन सकता। इसी खातिर सतगुरु नाम देवे तो बोलता है जाओ अपने घरों में भजन करो, तो कुटुंब है कुसुम में दाखिल, उनके संग से कमाई नहीं बनेगी। तो इसी खातिर भजन मंडली की जरूरत है। जब तक उनके साथ रहकर गुम ना गावे तब तक अंदर ख्याल बुनियादा नहीं बच सकता है। बड़ी भारी गुप्त साधना है, अति जरूरत है। ऐ सतगुरु मैनू भक्ति का दान दो, मैनू तुहाड़ी दिन रात तांग लगी रहे। हाँ चल बोल, पढ़ दे पढ़ दे बोल। ऐ सतगुरु मैनू भक्ति दी दान दो, मैनू तुहाड़ी दिन रात तांग लगी रहे। तुम्हारे सिवाए होर कुछ नहीं चाहिदा है, तुम्हारे बिना सब हराम और सुन और बर्बादी है। ऐ निरंकार सतगुरु मेरे और नहीं कुछ चाहिए, निज दिन तेरी सेवा। इस सिख नू गुरु अपनी सब ताकत समेत अंदर आके बैठ जाता है। सिख गुरु हो जाता है, गुरु सिख हो जाता है। इस अवस्था की सच्ची प्रीत करते हैं। जो गुरु जब देहधारी हुंदा है उस नाल प्रीत करने से सिख सुच्चा हो जाता है कि ये सचखंड के नूरी बच्चे हैं। जो मस्ताना बोलता है होरां नू लांता भी मारदे हन और अपने अंदर नूर नूर नू भी प्रगट करते हन, ते खुदा आप ही नूर हुंदा है। जद उन्हां दी यादगिरी विच सच्चे आशिक बैठते हैं तो नूरी फौजा आ जांदियां हन। ओ कदे गुरु रूप परमेश्वर नहीं भूल सकते हन, मन तन करके प्रेम भरी यादगिरी विच रहंदे हन। लोग बोलते हैं कि मरने के वक्त पूछो कि गुरु आया या नहीं, आवे ना आवे उसकी मौज है। करतार सिंह बोलता है कि महाराज सावन सिंह जी वजीराबाद गए तो सारी संगत ने हाथ जोड़कर कहा सुबह सत्संग होना है, तो हजूर हुक्म दें कि हम तो घड़ियाल से सारे शहर में मुनादी करा दें। तो श्री हजूर महाराज जी ने हुक्म दिया कि फकीरों के सत्संग की मुनादी कराने की क्या जरूरत है, जिसका सत्संग है वो मुनादी का सारा काम खुद ले गया। ये बात श्री हजूर महाराज जी के फरमाने के बाद 1-1.5 घंटा गुजरा तो उधर आर्य समाज वालों ने और गुरु कोठा वालों ने मीटिंग की कि इधर राधा स्वामी के
गुरु महाराज श्री बाबर सावन सिंह जी आए हुए हैं, जो उसके पास जाता है वो अपने जाल में उनको फंसा लेते हैं। इसलिए सारे शहर में आर्य समाज और अकाली जनता की तरफ से मुनादी कराई जावे कि राधा स्वामी के गुरु का कल सत्संग है, कल सुबह कोई मर्द कोई औरत कोई बच्चा उधर ना जावे, क्योंकि वो अपने सत्संग में मजहबों के विरुद्ध बातें करते हैं, इसलिए उनके सत्संग में कोई ना जावे। तो जिस वक्त मुनादी करा कर हटे, देव परिवार ने बचन कैसा कीमती फरमाया भाई, सच्चे पातशाह ने फरमाया भी सानू मनैती की जरूरत नहीं करेगा, तो लोगों ने उल्टी मनैती की, कहते उ राधा स्वामी आया उ जाना नहीं, वह तो थोनू उल्टिया बातें दसदा, वो देवी देवत्या दी नहीं करता, वह नहीं करता, जिमें लोगों दातं कर दया, तो लोग कहें चलो वेखिए तो सही उसनू, अब वो आपे मनैती होगी ना, होगी और आए देख वो पकड़े गए। स्वामी जी भी कहते भी फकीर के दरबार च कोई चौकीदारा पैरा नहीं हों, चौकीदारा पैरा कौन करते, निंदक उन्होंने जरूरत ही नहीं चौकीदारे पैरे की। बेपरवाह ने तो अपने मुरशद से आशक से उन्होंने तो कहने क्या है भी साढ़े च कितनिया कमिया ने सुनया भी जी का कोई मेरा ख्याल लेखा जोखा है ही नहीं, इनिया कमिया ने असी अपने मुरशद नू शाह मस्ताना बलोचिस्तानी नू खुदा नहीं मन्या, ना कोई उन्हां दी चीज रखी। शामस दवरेज साहब तुसी पढ़िया भी होना है और सुनिया भी होना है, कहिंदे ने भई मेरे जिसम दी रे बना के जमीन विच पा दित्ती जावे, फिर उस जमीन च कणक बीजन वाले भी वढ़न वाले भी कढ़न वाले भी मस हो जाना, कहिंदे जिस तंदूर विच ओह रोटी पके ओह दीवानगी दा घर बन जावे। बोलो, और असी शाह मसाना बलोचिस्तानी दी कोई निशानी नहीं रखी तो बख्शूगा किवें। आ मेरे बड़ी सट लगी एक दिन गुरु गोबिंद सिंह दी उन्होंने दिखाई तलवार ते रैफल, देखो 350 साल बाद अज सी तो दिखाई ना, अगर वो चीज पई सी तो असी देखी ना, अरे जो तो 350 साल बाद गुरु गोबिंद सिंह की असा निशानी वेख के बड़े दिल खुश होया, अरे शाह मसाना बलोचिस्तान निशानियां रखते तो क्या कहने की बात सी, मगर मनमुखा ने नहीं रखी, की किया जाए, गुरमुख होंदे तो रखते, मनमुख सी नहीं रखी। देख कैसा वचन कीमती है शहनशाह का, वे अपने मुरशद ते आशक हो जाओ अगर तुसी कुछ लभना चाहते हो सजनो, नहीं तो थोले पले कख नहीं। बस रे जद असी रोज सुनते हैं कि मजनू की गली चो कुत्ता लंघिया किसी का वारा, मजनू लेला का कुत्ता तो कोई नहीं सी, कुत्ता तो वारा ही सी, लेकिन लंघिया लेला की गली चो सी, फिर भी उन्हें पैर चुमे कहिंदा मेरी लेला की गली चो आया है ना, भाई लेला की गली चो लंघ के आया, फिर उन्हें पैर चुमे मजनू ने, अरे खुदा शाह मस्ताना सानू नाम दे के गया, असी उहदी की कदर की, बेकदरे बेमुख, राम तो बेमुख फिरदे इत्थे। गोरी वाले एक हैगा चंद दा आगू, वो कहिंदा मस्ताना जी का वचन सानू ना सुनाओ, असी मस्ताना जी नूं जानदे ही नहीं, अरे भैण चो तू नरकां च नहीं जावेगा, तैनू बख्शूगा केड़ा। बोलो, कहिंदा असी मस्ताना जी नूं जानदे ही नहीं, देख तू तू जानेगा कि नूं। बोलो रे, मैनेजर साहब आए तो मस्ताना जी ने बख्शिश करके भेजे, तो मैनेजर साहब ने साबित करता कि मस्ताना जी कोई खुदा सी, दुनिया दे विच कोई परम संत आया सी, उन्हें साबित करके गया, सबूत कर गया कि खुदा शाह मस्ताना बलोचिस्तानी आया सी, कर गया ना थोड़े सामने। तो ये सारे निंदक टुरे फिरते हुण शाह मस्ताना का लागू तो कोई है ही नहीं, सब भैन चो चौधरी बने फिरते, ठेकेदार बने फिरते रब दे, अरे ऐ थोनू किवें बख्शूगा रब,
अगला जे मुंडा जुआ खेडदा होवे कोई होर ऐब करदा होवे तो प्यो आखदा भी ये भाई बेदखल है मेरे कम का है नहीं है बेदखल है। अरे जब प्यो पुत्र नू बेदखल करदा तुसी खुदा दे नाल दखल किवें पाओगे बोलो। ये सब बेमुख फिरदे राम तो राम रूम इन्हां दे नेड़े कोई नहीं होना। हुण तां डेरियां च जिन्नी झूठ ते ठगी होर किते है ही नहीं दुनिया च। बस राम नाम तां दूर हो गया नेड़े तेड़े को नहीं राम नाम तां कोआ नेड़े को नहीं दूर है। की चीज चाहिए है पैसा पैसा रिद्धि जो लोगों को हदायत कर दोगे पैसा न देखी ना तुसी ना रखो तो तुसी पैसा लेके किहड़े थां जाओगे भाई वो सप्प बन गए तुसी बड़े सप्प बन जाओगे वो की होंदियां ने सराला बड़िया बड़िया वो बन जाओगे। खुदा शहनशाही जी का कहना की है मिलेश साहब एक बारी असी गए मैं क्या भी मैं तो जाऊंगा जी कहना ना ही जाए रौनक देख के जा चलो ठीक है मैं रुक गया। दूजे दिन मैं कहते तेरे को पैसे किन्ने कन मैं क्या भी मैं देखे तो है नहीं पर मैं देख लैना मैं देखे मेरे को 300 रुपया निकलिया। मैंने कहते तेरे को तेल है मैं क्या जी टेंकी भरी है कहते चंगा लिया मैं देते। एक सरदार है खड़ा देखता सामने वो आता बाबा मैं तेन रात 50,000 दिता सी ते तू लिया नहीं। मनेश साहब कहते भी देख सज्जना ना तो ये ना मेरे ने यह शाह मस्ताने देने पर तेरे वाला पाप का टोकरा मैं इतों चुकया नहीं गया नहीं तो मैं ले लैंदा। हुण जिस खुदा ने 50,000 नूं ठोकर मारती भी उहदे अंदर कोई सतगुरु का सरूप सीगा तां ही मारी है ना नहीं तां हंदे लिया जल्दी कर। जे शाह मस्ताना का डर सी तां ही मुकरे भी दरगाह च लेखा जोखा देना पऊगा। तो इन्हां दे अंदर सतगुरु का डर ही निकल गया बने किवें कहानी बनूगी किस तरह डर निकल गया पत्थर दिल हो गया रहम तो रहा ही नहीं प्रेम तो रहा ही नहीं प्रेम खत्म हो गया बेरहमी हो गई। बस अरे भैया रोज असीं किताबां पढ़ते हाँ वेद शास्त्र पढ़ते हाँ गुरु ग्रंथ साहब सुनते हाँ भी संतां ने इस चीज़ तो थोनू न्यूट्रल किया भी संत मत च ये चीज़ किसी काम की नहीं संसार की है संसार ने बर्ताव करना है बच्चे ब्याहने हैं पालने हैं पड़ोसने ये संसार की है थोड़े काम की नहीं। असी तुसी बाबे दे बच्चे बैठे हाँ सच्चे दिल नाल तुहानू आखदे हाँ असी आ डेरा बना के एडा बड़ा नुकसान कर लिया आपदा जी दा साडा पाड़ा शायद मेरा ख्याल कदे मिलना ही नहीं एडा बड़ा नुकसान कर लिया आपदा नहीं तो एक झूंफड़ी रख दे बस जिथे कोई माड़ी जी गड़बड़ दिसदी चादर मोढ़े सिटी अल्ला बेली पैण करू तकलीफ आउंदी। हुण बच्चे वाली जनानी वांगू हरेक दे अगे भाई हाँ भाई प्रेमी आई भी हाँ प्रेमी आई भी आई गल है ना भी संगत आऊगी तो चलूगा नहीं तो चलना नहीं तो अपना डांग ते डेरा रख दे जो कोई मनना मनना नहीं चलो दान सतगुर तेरे हाथ न फिर सी नजारा फिर नजारा सी फिर तो बल्ले बल्ले सी बस फिर जिवें बुल्ले शाह ने करे मेरी बुकल दे विच चोर फिर यार दे नाल रातां सोमो दिन सोमो कोई फर्क नहीं पैंदा फिर सब वास्तव तो बरी हो जांदे। ये धंधा जिहड़ा ना ये तो परम संतां दे कम दा ही है बाकी साधुआं दे कम दा है नहीं। साधु तो डांग तो बस अपनी चादर रखे मोढ़े ते जे कोई देवे तो दे दे नहीं वह भी सिट के भजे सच्चे सच्चे सौदे वाले गए मेरे कोटली मैं चाबियां चला के मारिया मैं चादर सरखी मोटे तो मेरे आते ना बाबा जी मुड़ के नहीं आते चंगा मुड़ के मेरे को नहीं आए। अरे थोनू भुखा तो संभो साडा मुरशद कामला होर देगा
सेठी ने मैनू सौण नहीं दिता एक हफ्ता, दे फोन ते फोन, तू गुरमीत दे खिलाफ बोल गया। मैं क्या यार तीर कमान चो निकल गया, हुण पुठा हुंदा है। कहिंदा तैनू उन्हां दी पब्लिक तो डर डर खुदा तो वड्डी है पब्लिक। महीने बाद असीं रात नूं 11 बजे मिले, सेठी दे पखाना निकल गया बिचे पैट दे बैठ जो 11 बजे रात नूं। कहिंदा उत्थे हवा नहीं जांदी 11 बजे, वाके नहीं जांदी सी। अरे अंदर सच्चाई होनी चाहिए, साढ़े अंदर कूड़ है तां असीं डरदे हां, कूड़ डरदा सच कहदे वास्ते। मरना सवेरे भी है, मरना अज भी है। की है बाला जी के की करांगे, बन जाओ लैटरिन की करांगे, गंदगी करांगे, होर की करांगे, सही मर जाएंगे, चंगा झगड़ा मुक जूगा। मरना याद रखो, जीना बस, जीने की आस ही छड़ दो भी, जीना तो असी है नहीं, असी तो मरना है बस। फिर थोनू कोई लांझ नहीं। शाह मस्ताना बलोचिस्तानी, ऐ जिवें प्रेमी ने शब्द बोलिया ना, की कहा सी, बरसात होंदी रवे, क्या कहने की बात है। बस फिर बरसात शाह मस्ताना ने प्यार की बरसात होंदी रहूगी, मालो माल हो जाएंगे। तो बैठ जाओ, कालड़ा मां कालड़ा अपन छेड़ ही नहीं सकता। आ प्रमोद बैठा, आ विनोद बैठा है, थे आकना की ना पवन, ये ताया ही लगता सी मुंशी राम, उन्हें नाम लिया सी बेप्रवाह तो। साडे नाल उहदा काफ़ी प्रेम बन गया, उदों असीं किराड़कोट रहिंदे सी। मैनू आता जी प्रमोद की उम्र दसो कितनी है, उदों असीं न्यूट्रल रहिंदे सी, कोई मतलब नहीं सी। 3 साल असीं अख नहीं फरक के देखी भी किवें सोई, 3 साल जदों मैं सिमर ते बैठा मेरी जीभ ताड़ू नाल लग जाए, मारे गए भाई। 3 साल च उन्होंने करजा बरी होया, फिर साडा सिमन चलिया। अब अगला बैठा कहिंदा जी मेरा तो भजन नहीं बने, पंडित तेरे सिर ते भजन तेरे किवें बने, कूड़ा तो ला सिर तो। मैं क्या मुंशी राम 20 साल की है, मैनू आता जी फिर मेरा की बनूंगा, मैं तू तेरी दे दे। 14-14 घंटे पलाथी मार के एक चादर च बैठा रहिंदा, 14-14 घंटे अपनी उम्र दे गया और आप चलिया गया। है ना, इत्थे फरमाया सीगा बई इहदी उम्र वध जांदी है, बिल्कुल वध जांदी है। तुसीं थोड़ा खाओ, थोड़ा सौ, थोड़ा बोलो, ऐटोमैटिक थोड़ी उम्र वध जूगी, ऐटोमैटिक। ज़्यादा सोओगे, ज़्यादा बोलोगे, ज़्यादा खाओगे, बस ऐटोमैटिक उम्र कट जूगी। हुण अगला कहिंदा जी जो लिखती, अरे असीं कहिंदे लिखती लुखती ते इत्थे कोई दर्जा ही कोई नहीं, संतां दे दरबार च कोई मायना नहीं रखती लिखत, संतां दे दरबार च इक प्रेम मायना रखदा। आ तुहानू असीं अगे कहा ना भी राम नारायण दे बाप ने साल आपदी उम्र बधा के बाबे तो मंग के लैके गए, वह है संतां दे दरबार दे विच पावर रखती, कोई इत्थे लिखत लुखत नहीं पावर रखती, इत्थे प्रेम पावर रखदा। हाँ तुसीं देख लो, इत्थे बुढ़ेपे का जवानी का कोई सवाल नहीं, तुसीं अपने मुरशद दे बचन दे उत्ते पक्के हो जाओ, ते जो काल की ताकत नहीं तुहानू आके छेड़ जे। हुण जदों असीं जांदे राही नूं सद्दांगे तां मंजी पीढ़ी तोड़ूगा, असीं तां जांदे कर्मां नूं जफ्फी पाउंदे आ। आ जाओ सज्जनो, कि नहीं पाउंदे, जांदे कर्मां नूं जफ्फी पाउंदे तो तकलीफ तां देणगे ही, वह अपना एवजा भी लैणगे, क्यों भुगतान तां करना ही पऊगा। हाँ बचन पूरा तां नहीं होया, इसलिए उनके सत्संग में कोई ना जावे तो जिस वक्त मुनादी करवा कर हटे तो लोगों ने सुबह को कहा कि जो रात आर्य समाज और अकाली दल वालों ने राधा स्वामी के गुरु के खिलाफ मुनादी करवाई, भला चल कर देखें तो सही
कि देखें उनकी कैसी मोहनी और सोहनी शक्ल व सूरत है और किस गुफ्तगू से लोगों को अपने जाल में फंसाता है। फिर बहुत से लोग, औरत, मर्द, बच्चे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और अकाली, आर्य समाजी, मर्द, औरतें, छोटे बड़े बच्चे जोक दर जोक सत्संग में जाने शुरू हो गए और सत्संग में इतनी भीड़ हो गई कि बैठना मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी लोग चुपचाप सतगुरु के दर्शन और सत्संग में इस कदर मस्त हो गए कि बड़े आनंद से सत्संग सुनते रहे और बाद में असहज करते थे कि हमने सारी उम्र ना ऐसा सत्संग सुना है और ना ऐसी सोनी और मोनी शक्ल वाले सतगुरु के दर्शन किए हैं। भला हो अकाली और आर्य समाजियों का जिन्होंने हमको मनादी करवा कर क्या जब तक दवाई रिएक्शन कर गई अखां तो नजर चली गई, बेपरवाह पेश करते एक पंडित नूं ते कोनूं। बेपरवाह ने फरमाया भी हम तो अंधे को नाम देते नहीं। तो संगत कहन लगी जी ते गुरदयाल दा दादा है। अगे भी क्या जपता है? अगे जी बाणी पढ़ना। अगे बैगरू बैगरू कर तेरे को ऐसे ले जाएंगे। अच्छा उस पंडित नूं नाम नहीं दिता। शहनशाह बोले ना इसका कर्जा ढेर है। अखीर एक प्रेमी ने जोर लाया तो शहनशाह ने फरमाया जी ऊंट बनेगा ले जा इसको। नाम नहीं दिता। उन्हें अंत समय अपने लड़कियां नूं बुला के कहिंदा भी सज्जनों मेरा क्रिया कर्म हो गया, मेरा कोई क्रिया कर्म नहीं करना, मैं अपने घर चलिया और ना मेरे फुल चुकने। वह है संतां दे बचन दे विच पावर। बैगरू बैगरू तो पहले भी करता सी लेकिन वह मोर छाप लग गई। पक्का होगा ना कम? एवें जिमें कोई भी सिमन करता है
ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਓ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਮਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾ ਜਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਵੀ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦਾਤਾ ਸ਼ਾਮਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਓ। ਘੰਟਾ ਦਿਓ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦਿਓ, ਮੁੰਨਾ ਘੰਟਾ ਦਿਓ, ਦੋ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੁਬਹਾ ਵੀ ਦਿਓ, 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹੀ ਹੂੰ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੱਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਿਮਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੰਗ ਮੰਗਣੀ ਖੁਦਾ ਕੋਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਹੱਕ ਹੈ। ਮੰਗੋ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ। ਅਬ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਦੀ 3 ਘੰਟੇ ਗੁਣਗਾਨ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ ਲਿਖਵਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ ਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖਿਆਲਾਂ 'ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਸੌਦਾਗਰ ਸੇਬ ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੇਚਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਾਬਲ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸੇਬ ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਕਾਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ 2 ਆਨੇ 4 ਆਨੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੋ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੇਬ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 2 ਆਨਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੇਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਊਂਗਾ। ਉਹ ਘਾਹ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, 2 ਦਿਨ ਸੁੱਟਿਆ, 4 ਦਿਨ ਸੁੱਟਿਆ। ਸੌਦਾਗਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਪਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਘਾਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸੇਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਬ 1 ਦੇ 2 ਲੈ ਜਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਜਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਵੇਂ 2 ਵਾਰੀ ਲਿਖਾ ਲਓ। ਆਖਰ ਉਹ ਲੜਕਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਔਰ ਪਾਣੀਪਤ ਖੱਦਰ ਵੇਚਿਆ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਫੱਕਰ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਦੀ ਟੱਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖੱਦਰ ਵੇਚੇ ਬਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਬਈ ਰਮਜਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਜਾ ਸਾਡਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਿਆ। ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਨਾ।
अरे असी तो खुदा दे बच्चे फिर साडे कोले नहीं आऊगी। जे एक मां दे ख्याल नाल एडी वड्डी हस्ती बन सकती है, वह एक वजीर बन सकता है, तो असी तो खुदा दे बच्चे साडे कोल तो बड़ी वड्डी पावर हैगी। देख ला हुण, तू विचार कर ला, सोच ला, ऐ करे तो नहीं खेड़ा छुटदा। आखिर तेनू आना पऊगा घगरी पाठ की, फिर भी आवेगा सिमती सताई ते आ जा। हां फिर संसार की घगरी पाटनी है, संसार च जो तक टुट जाके होर की आएगा। तू हुण सिमती ते आ जाना। देख मैं तुम्हें एक शहनशाह भाई, टाइम तो बहुत हो गया भाई, संगत को मैं माफी मंगना। बेपरवाह का ख्याल से इकबाल सिंह गद्दी देने का, बगलने वाले ने, बड़ा निक्का बंदा सी, उहदी जीब च बेपरवाह थापियां लत देंदे, गोहा लत देंदे, टांडे लत देंदे, वह बेच आउंदा। जे उहनूं आ जांदे टट्टी का टोकरा सिट के आउणा, उहदे उफ नहीं आउंदी सी। बादशाह आदमी सी, राजा आदमी, लेकिन ना दिन एडा उहदा मन जिहड़ा नीवा सीगा। बेपरवाह का ख्याल हो गया भी इहनूं गद्दी दे दईए तां काल दा जोर नहीं चलदा, कि उहदी बैक बड़ी तकड़ी सी। तां इकबाल सिंह दा नौकर आ गया बगल बादल वाला चक है बूधर वाली कोले, उत्थे जमीन सी इहनां दी कट्ठी प्रकाश सिंह बादल दी ते इहदे पुणजे दी, उहदा रौला पै गया। रौला पै गया तो वह मुंशी लैण आ गया। बेपरवाह ने फरमाया कि इकबाल सिंह अठ दिन ना जा, फिर चलिया जाई। अगे नहीं जी मैं तो आ जाऊँगा दो दिन, बस मैं जमीन का ही फैसला ही करना, मैं आ जाऊँगा। शहनशाह बोले अब नहीं तो आता, शराब पीने लग जाएगा। बस फिर गया उत्थे, तेनू पता ही है वो शराब पीण लग गया। जो बेपरवाह चोला छड्डे पिछों आया, फिर की बनता, फिर टक्करा मारे। अब वो बात बचन कट्टे करके अज किन्ना बड़ा पवाड़ा पै गया। देखो तुसी, अगर वो इकबाल सिंह बचन मन लेंदा तो मैं कहना भी सच्चे सुत चाहे पता लग जाता भी कोई शाह मस्ताना बलोचिस्तानी फकीर आया सी, दुनिया च पता लग जाता। बचन कट्टे च इन्ना नुकसान है। अज जिहड़ा आपां हरजाना भोगदे पए आ ना, हरजाना ही अपने ते, कोई ताना मारे आपां की जवाब देवांगे? जवाब तो है नहीं ना कोई। ये हरजाना सिर्फ उहदे बचन कट्टणे करके भोगदे पए आ। वो ताकत सी जिहनूं असीं अज खुदा मनदे, उदे भी खुदा सी कि उहनां नूं दिसदे नहीं सीगे, बंदे दिसदे सीगे ना, पर ये काबल नहीं सी। उन्होंने अपने मुखार बचन चों नहीं कहा भी जा तुहानूं आह कुछ दिता, काबल नहीं सी, ताई नहीं कहा ना, नहीं तो कह जाते। हाँ बोल टाइम। सतगुरु तेरा ही आसरा, शामस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। शामस्ताना जी दा एहसान साडे ते, जिस सार लई मोताजां, ओ रखवाला सारे जगदा, उसनू सब दियां लाजां। शामस्ताना जी दा एहसान है साडे ते, जिस सार लई मोताजा, ओ रखवाला सब दुनिया दा, उसनू सब दिया लाजा। आशा वंदना खाली जावन, आशा वंदना इस दर तो खाली जावन, सखियां दे दरबारों
ਸ਼ਾਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਦੇ ਓਨੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਾ ਆਖੋ ਮੇ ਦਹਿਕ ਜਾਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਾ ਆਖੋ ਮੇ ਦਹਿਕ ਜਾਤਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਬਹਿਤਾ ਹੁਆ ਆਖੋ ਸੇ ਛਲਕ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜਬ ਕਭੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਖੁਆਬ ਆ ਜਾਏ ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਤਨ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਸੇ ਮਹਿਕ ਜਾਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਐਹਸਾਨ ਤੇਰਾ ਐਹਸਾਨ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਇਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਆ ਜਾ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਬਾਜ ਇੱਕ ਪਲ ਨਾ ਲੰਘਦਾ ਕਿੰਜ ਬੀਤਣ ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਜ ਬੀਤਣ ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਐਹਸਾਨ ਤੇਰਾ ਐਹਸਾਨ ਤੇਰਾ ਐਹਸਾਨ ਤੇਰਾ ਐਹਸਾਨ ਤੇਰਾ ਐਹਸਾਨ ਤੇਰਾ ਐਹਸਾਨ ਤੇਰਾ ਦੇਖੇ ਨਾਮ ਪੁਗਾਈਆਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਲਣਾ ਹੈ ਸੀ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਲਣਾ ਹੈ ਸੀ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਮਸਾਨਾ ਜੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਐਹਸਾਨ ਤੇਰਾ ਐਹਸਾਨ ਤੇਰਾ ਐਹਸਾਨ ਤੇਰਾ ਐਹਸਾਨ ਤੇਰਾ ਐਹਸਾਨ ਤੇਰਾ ਐਹਸਾਨ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਇਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇਰਾ ਗਠੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਹੋ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਜਾਲੂ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਜਾਲੂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਤੇ ਫੜ ਫੜ ਰਾਹੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤਾਰ ਤੇ ਫੜ ਫੜ ਰਾਹੀ ਸ਼ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਐਹਸਾਨ ਤੇਰਾ ਐਹਸਾਨ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਇਆ 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 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਆ ਜਾ ਤੇਰੇ
ते बदल बरसन रुख बदलन चन तारे हो रुख बदलन चन तारे तेरे इशारे ते बदल बरसन रुख बदलन चन तारे मैं भी पागा वाला होया सारे पागा वाले होए नजर पई तेरी प्यारे शहनशाह नजर पई तेरी प्यारे शामस्ताना जी बलोचिस्तानी जी है सान तेरा है सान तेरा सानू पापिया नू गल लाया 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 शुकराना लख हजार तेरा शामस्ताना जी बलोचिस्तानी जी हाजा किसे ना पुछिया कितों आया किथे जाना हो कितों आया किथे जाना स्काल दे देश च किसे ना पुछिया कितों आया किथे जाना दोना जहान च शामस्ताना जी दोना जहान च शामस्ताना जी एक तू ही दर्द पछाणा शहनशाह तू ही दर्द पछाणा शामस्ताना जी बलोचिस्तानी जी है सान तेरा है सान तेरा सानू पापिया नू गल लाया चुप राना लाख हजार तेरा शामस्ताना जी बलोचिस्तानी जी आजा पुल के बिना विसरा तेनु तो आपे याद कराई शहनशाह आपे याद कराई पुल के बिना विसरिए तेनु तो आपे याद कराई शहनशाह आपे याद कराई नजर मेहर दी करी मेरे शहनशाह नजर मेहर दी करी मेरे प्यारे सानू पुला नू बख्शावी शहनशाह पुला नू बख्शावी शामस्ताना जी बलोचिस्तानी जी सान तेरा सानू पापिया नू गल लाया शुकराना लाख हजार तेरा शामस्ताना जी बलोचिस्तानी जी आजा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा शामस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा।